स्वागत है आप सभी का शुभम भगत यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IDBI बैंक के बारे में। IDBI बैंक की तरफ से जो है इस वीडियो पर्टिकुलर जिस टॉपिक पे बात होने वाला है, IDBI एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट निकाले गए थे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके अलावा असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए भी रिक्रूटमेंट निकाले गए थे, उसका वीडियोज़ मैंने बनाया है, उस वीडियो को भी आप चाहें तो देख सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, उसका एग्ज़ाम 4 सितंबर को होने वाला है एंड इसका जो एग्ज़ाम है एग्जीक्यूटिव का, इसका एग्ज़ाम जो है 5 सितंबर को होने वाला है। लेकिन सबसे खास बात है, गुड न्यूज़ है कि आपका एडमिट कार्ड जो है आज डिक्लेयर किए जाएंगे ऑफिसियल रजिस्टर में 27 अगस्त को, दोनों के लिए असिस्टेंट मैनेजर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। मैं हर एक का इंडिविजुअल में वीडियो बनाया है और एक वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो को भी सबसे आप सब वीडियो को जो है आपसे भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे जैसे कि आपका एप्लीकेशन जो 3 अगस्त से स्टार्ट हो गया था और आपने एप्लीकेशन 4 अगस्त से स्टार्ट हुआ था, 8 अगस्त तक चला था एंड इसका एडमिट कार्ड जो है आ जाएगा और इसका एग्ज़ाम बताया जा रहा है कि 5 सितंबर को होगा। आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा, ठीक है, आप रिविजन्स भी कर रहे होंगे, नोट्स बनाया होगा, 10% रूल्स को भी फॉलो कर रहे होंगे, साथ में आपको क्या आप मॉक टेस्ट अगर दे रहे हैं तो सही है, अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो उनके लिए फ्री मॉक टेस्ट मैं 2 प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ ही साथ और भी ज़्यादा देना चाहते हैं तो आपको परचेस करना होगा। तो इसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा रहेगा, इसके लिए आपको जो है टेक्स्टबुक प्लेटफॉर्म जो है सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है, जो आपको फ्री मॉक आपको टोटल जो 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स रहते हैं, 1.5 घंटे टाइम दिए जाते हैं, ठीक है। सेम आपका जैसे कि सबसे पहला तो मुझे बताना चाहिए था कि आपको मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज देना चाहिए, क्यों आप क्यों दोगे टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट, आप क्यों परचेस करोगे, क्यों दोगे आप, क्योंकि आप देखो जो 2-3 साल से जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तो सही है, उनके पास कुछ आइडियाज़ होगा या उनको भी मौके देना चाहिए। लेकिन जो फ्रेशर्स हैं उनको लाइक एग्ज़ाम इंटरफेस जो है क्या कुछ होता है उनके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, कैसा क्वेश्चंस होता है, क्या क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल होता है, किस टाइप का क्वेश्चंस होगा, कैसे मेरा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस क्या है, मेरा वीक जोन क्या है, मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ इस टाइम पर, जो भी मेरे पास टाइम है कैसे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। तो ऐसे अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है तो आपके लिए सॉल्यूशन सेट टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट, उसमें आपका स्ट्रेंथ टॉपर के साथ आप एनालिसिस कर सकते हो, टॉपर जो इस टाइम पे कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आप उनके साथ कंपैरिजन कर सकते हो, हर एक चैप्टर्स में क्या टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये आपको ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या आपको आप ग्रुप स्टडीज करके आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये आप खुद को एनालिसिस करने के लिए आपको एक प्रॉपर जो है जहाँ पे आपको सॉल्यूशंस मिलता है आपको वहाँ पे जो है टेस्ट देना होगा, ठीक है। मैं नहीं बोला कि आप टेक्स्टबुक पे आओ, क्योंकि टेक्स्टबुक वैल्यू फॉर मनी है और काफ़ी अच्छा क्वांटिटी है, काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोज मिलते हैं, इस वजह से मैं वहाँ पे देता हूँ, मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ। साथ ही साथ एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हो तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मान लो कि जब भी एडमिट कार्ड रिलीज़ किया जाता है तब मैं आप लोगों को एक वीडियो बना दूँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा स्टेप बता देता हूँ कि मुझे थोड़ा सा लेट हो जाए तो आप इस स्टेप को फॉलो कर लेते हो तो आपको क्या होगा कि आप खुद से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। हालांकि आप जानते भी होंगे, क्योंकि अगर आप पहले से जानते हैं या कुछ भी या किसी एग्ज़ाम कोड भी दे रहे हैं आप, तो जैसे कि SBI का दे रहे हो आप या किसी भी का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो क्या होता है कि आपको कैरियर सेक्शंस में आता है, मतलब पार्टिकुलर ऑफिसियल रजिस्टर में जाना होता है, उसके बाद कैरियर सेक्शंस में आना होता है, कैरियर सेक्शंस में आने के बाद हमें लॉगिन करना है, यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है, उसके बाद हमारी स्क्रीन के सामने अपना जो एडमिट कार्ड है वो अपेयर हो जाता है, उसको हम लोग PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, प्रिंट आउट दो निकाल लेते हैं रंगीन पे, मतलब कलर जो उसके दो निकाल के रखना चाहिए, उसके बाद हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट आईडी प्रूफ लेते जाते हैं जब एग्जाम्स होता है, लाइक वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी, ड्राइविंग लाइसेंस, उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, उसके अलावा दो फोटोकॉपी लेते जाना है, आपको ध्यान रखिएगा, एक भी बात आपसे मिस नहीं होना चाहिए, एक भी डॉक्यूमेंट आपसे मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए उस टॉपिक में वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। साथ ही साथ आप चाहें तो सैनिटाइजर ले जा सकते हैं, आप वाटर बॉटल ले जा सकते हैं, पेन पेपर ले जा सकते हैं, ये सब कुछ। एग्ज़ाम है 5 सितंबर को, आप लोग जानते ही होंगे, अगर इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ बुक्स या किसी टॉपिक में वीडियो चाहते होंगे तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए उस टॉपिक में वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं नई वीडियो में, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, किसी और टॉपिक में वीडियो चाहते हो बता दीजिएगा, मैं टेक्स्टबुक आपका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन से दूंगा, अगर कुछ डिस्काउंट चाहिए होगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमारे यूज़र के लिए तो उसका भी मैं 5% दे दूंगा, अगर आपको 10% चाहिए होगा तो मैं एक नंबर दूंगा उस पर आप मैसेज कीजिएगा, अपना नंबर दीजिएगा, तो आप पहले टेक्स्टबुक ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद आपको वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, अगर चाहिए होगा तभी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।